दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में आठवें भाव या आठवें घर में, जो आठवां भाव होता है, इस भाव या घर में कोई बकरी ग्रह बैठा हो, कोई ग्रह बकरी होकर आठवें घर में विराजमान हो जाए, तो वह जातक को क्या फल देगा। देखिए, जो बकरी ग्रह होते हैं उनको हम स्लो मूविंग प्लेनेट यानी धीमी गति से चलने वाले ग्रह भी कहते हैं। जो स्लो हो जाते हैं ना गति में, तो वो ग्रह बकरी हो जाते हैं। जब इस तरह के ग्रह अष्टम भाव में बैठते हैं, तो ये जिस घर के भी मालिक होते हैं उस घर का बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत शानदार फल देते हैं। अगर आठवें घर में कोई बकरी ग्रह बैठा हो, तो वह ग्रह जिस घर का मालिक होता है उस घर का बहुत ही अच्छा फल देता है। खासतौर पर जब भाग्येश नौवें घर का मालिक बकरी होकर आठवें घर में विराजमान हो जाए और अंश ठीक हो इसके, बाल अवस्था में ना हो, वृद्ध अवस्था में ना हो, तो भाई यह जातक को बहुत भाग्यवान बनाता है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, भाग्य पूरा जीवन इनका साथ देता है और इनके जीवन के सभी कार्य आसानी से बिना अधिक विघ्न बाधाओं के पूरे हो जाते हैं और इनके पास सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं, जीवन इनका सुखपूर्वक बीतता है। दूसरी उदाहरण लेकर समझिए, जब धनेश यानी धन का मालक, जहाँ धन का मालक इस कुंडली में शुक्र हुआ, मान लीजिए शुक्र जहाँ बैठ गया अष्टम घर में और बकरी हो गया, शुक्र बकरी होकर आठवें घर में बैठ गया, तो अगर धनेश आठवें घर में बकरी होकर बैठ जाए तो जातक बहुत धनवान होता है और समाज में इसका अच्छा नाम होता है, समाज में इसका जश होता है। अब देखिए, अगर चौथे घर का मालिक बैठ जाए, चौथा घर होता है जमीन जायदाद भान का मालिक लीजिए, इसमें तो चलो चंद्रमा का बकरी नहीं होता कभी इस लगन में, मान लीजिए जहां चार लगन है, चार पांच छ सात, अगर कर्क लगन हो तो शुक्र बकरी हो गया, अगर शुक्र जहां बैठ जाए बकरी होकर अष्टम घर में, चौथे घर का मालिक बकरी होकर अष्टम घर में बैठ जाए, तो जातक को घर का सुख, जमीन जायदाद का सुख और वाहन का सुख देता है। छठे आठवें के मालिक अगर, छठे और बारहवें के मालिक अगर आठवें घर में बैठ जाए, तो भाई हमें पता ही है कि ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। अगर छठे और बारहवें के मालिक आठवें घर में बकरी होकर बैठ जाए, तो जो विपरीत राजयोग ये बनाते हैं वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है, वो विपरीत राजयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इस तरह हमने देखा कि अष्टम घर में बैठे हुए बकरी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं जातक को। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अष्टम घर में बैठे हुए बकरी ग्रह जातक को क्या फल देते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।